बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक ताजा खबर का रुख कर लेते हैं जो हरिद्वार से आ रही है, जहां बैरागी कैंप में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण ध्वस्त करने पहुंची प्रशासन की टीम, साधु संत कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। साधु संत नाराजगी जता रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। अवैध निर्माण को लेकर यहां पर बैरागी कैंप में पहुंचे हुए थे पुलिस के तमाम कर्मचारी और बैरागी कैंप के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान साधु संतों ने नाराजगी जताई है, विरोध किया है। अवैध निर्माण ध्वस्त करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची हुई थी और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान साधु संतों ने जमकर विरोध किया है। पुलिस बल भी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद रहा। अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। बैरागी कैंप में अवैध निर्माण किया गया था, जिसके खिलाफ प्रशासनिक अमला पहुंचा और कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद साधु संत विरोध करने लगे, नाराजगी जताई उन्होंने और प्रशासन के काम के बीच वो जमकर विरोध करने लगे। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी प्रशासनिक अमले की तरफ से। इस बीच बैरागी कैंप के तमाम साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की है, विरोध जताया है। बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ था और जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी, इस दौरान साधु संतों ने जमकर विरोध किया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और साधु संतों की नाराजगी भी यहां पर साफ तौर पर दिखाई दी। उन्होंने जमकर विरोध किया। अवैध रूप से निर्माण जहां किया गया था, अवैध कब्जा, जिसको लेकर प्रशासनिक अमले की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। हरिद्वार से ताज़ा खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बैरागी कैंप में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सवाल यहां पर यह है कि क्या साधु संतों ने अवैध रूप से यहां पर कब्जा कर रखा था बैरागी कैंप में। ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई जब चल रही थी, इस दौरान तमाम साधु संत आगे आए और विरोध करने लगे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मयूर सैनी हरिद्वार से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मयूर, आखिर ये क्या कुछ पूरा मामला था जिसकी वजह से यहाँ विरोध का सामना करना पड़ रहा है पुलिस टीम को? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से आपको बता दूं कि आगामी जो कुंभ जो है अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद साधु संतों को जो है जो जंगा बैरागी कैंप में अलोट की गई थी, उस पर जो है अवैध निर्माण जो है कुंभ के दौरान उन्होंने कर लिया था, यानी कहा जा सकता है उसको कब्जा जो है बिल्कुल उसके तरीके से कर लिया गया था और उस पर अवैध निर्माण भी यहाँ पर चल रहा था। उसके बाद जिला प्रशासन ने जो है मेला प्रशासन की मदद से जो है तमाम प्रयासों के बाद उसको कब्जा हटाने की कोशिश की गई, तो उसके बावजूद जो है तमाम साधु संत जो है आमने सामने पुलिस प्रशासन के आ गए थे और आमने सामने की भिड़ंत भी हो गई थी। उसको जो है पुलिस फोर्स और मंगवाया गया और जो जितना भी जो अतिक्रमण उन्होंने किया हुआ था, जो कब्जा किया हुआ था, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने कब्जा मुक्त कराया। हालांकि जो है साधु संत के साफ तौर से कह रहे थे कि कुंभ प्रशासन ये गलत कर रहा है, क्योंकि ये हमारी जमीन है और जो है इस पर हम हमेशा यहाँ पर जो है रहते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो अवैध निर्माण कराया जा रहा था और ताकि उसकी नियत से जो है जिला पुलिस प्रशासन ने उसको जो है अवैध कब्जे को हटवा दिया गया है जी। लेकिन अवैध निर्माण को लेकर क्या साधु संतों को किसी तरीके का नोटिस दिया गया था? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से क्योंकि जैसा आपको मैंने बताया कि क्योंकि ये कुंभ मेले के दौरान जगह आवंटित की गई थी और उसके बाद धीरे धीरे इस पर अतिक्रमण करना शुरू गए थे, यहाँ तक कि उस पर लिंटर की जो है पक्का मकान बनाकर लिंटर की कार्रवाई चल रही थी। उसके बाद जब मेला प्रशासन को पता लगा कि इस पर अवैध का निर्माण कराया जा रहा है, तो उसको देखते हुए जो है जो जिला प्रशासन की जो टीम है और हरिद्वार पुलिस की मदद से जो है उसको निर्माण जो है हटवा दिया गया। हालांकि साधु संतों को पहले से बता दिया गया था कि जो आप निर्माण कर रहे हैं ये बिल्कुल अवैध तरीके से है, लेकिन जो है लेकिन बड़ा सवाल मयूर यहाँ पर ये भी है कि जब अस्थायी तौर पर निर्माण की बात कही गई थी और उसकी इजाजत दी गई थी, फिर स्थायी तौर पर निर्माण साधु संत कैसे कर सकते हैं? क्या किसी से इसके लिए उन्होंने इजाजत ली थी और कितना एरिया इन्होंने कवर किया है अतिक्रमण के दौरान? बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इनको एक जो है कुंभ मेले के दौरान अस्थायी जमीन काफी जमीन आवंटित करी की गई थी, उसके बावजूद जो है ये जितने भी जो है धीरे धीरे जो है क्योंकि कुंभ मेले के दौरान
जो है उन्होंने इसका फायदा उठाया और वो कहीं ना कहीं इस पर अवैध कब्जा इस पर कर लिया गया था, क्योंकि कुंभ का दौरान का मेला था उस समय, ऐसे में बोलना भी जो है मेला पुलिस जो है या मेला प्रशासन बच रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे कुंभ मेला समाप्ति की ओर चला गया और जब साधु संत जाने लगे तो देखा कि अवैध निर्माण हो गया है और उसको आज बड़ी मुश्किल से हटवाया गया है। लेकिन साफ तौर से बड़ी मुश्किल से हटवाया गया और साधु संत जो है काफी जो है तमाम साधु संत आ गए थे, पुलिस के साथ भिड़क भी हुई है और नौबत यहाँ तक ये आ गई थी कि एक दूसरे पर हाथापाई तक की नौबत आ गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बड़ी मुश्किल तुलवा दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मयूर।